हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी प्रॉप एनालिस्ट के मेरे दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी लाइफ के सक्सेस मंत्र, चांसेस ऑफ सक्सेस, सफलता की स्टेजेस क्या है, उसको हम बहुत सरल तरीके से समझेंगे। टुडे वी विल क्लाइम द लैडर ऑफ सक्सेस। सक्सेस इज इन योर माइंड। आपकी सोच ही आपको सक्सेसफुल बनाती है। यू आर एट 0% ऑफ सक्सेस व्हेन यू से आई वोंट, मैं नहीं करूंगा। लस्क, जो कि अमेरिका के एक प्रोफेशनल हैं और रेसिंग साइक्लिस्ट हैं, उन्होंने कहा, क्विटिंग इज इजी, पेन लास्ट फॉरएवर। मौके को देखकर चौका ना मारना बहुत आसान होता है, पर मैदान छोड़कर जाने का दुख हमेशा रहता है। अमेरिका के एक ट्रेनर ने बोला है, जब आपका बच्चा सवेरे सो के उठता है और आप उसे बोलते हैं कि बिस्तर बना दो और वो नहीं बनाता, तब डिसाइड होता है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपका आलस ही आपको सफलता से दूर रखता है। फ्रेंड्स, यू आर एट 10% ऑफ सक्सेस व्हेन यू से आई कांट, मैं नहीं कर सकता। इस चर्चा के दौरान मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा विश्व युद्ध द्वितीय, दैट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पीरियड वॉज 1939। अमेरिका के ऊपर जापान ने पर्ल हार्बर पे अचानक हमला किया और अमेरिका की 8th फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अपाहिज थे। उनकी पत्नी ने उनसे सिर्फ इतना कहा, डू वन स्कैरी थिंग एवरी डे, अपने अंदर झिझोड़ने वाली एक ऐसी हरकत रोज करें जो आपको सफलता की तरफ लेकर जाए। और आगे चल के इतिहास में किस तरह से हिटलर की फोर्सेस को अमेरिका की फोर्सेस ने किस तरह से नेस्त नाबूद कर दिया, ये पूरी बात बताती है कि किस तरह अमेरिका की फोर्सेस को इंस्पायर किया अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी इलियोनोर रूजवेल्ट के उस एक कथन ने। अपनी जिंदगी में एक काम रोज ऐसा करें जो आपको झकझोर के रख दे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सक्सेस की तीसरी पड़ाव पे, व्हेन यू से यू डोंट नो, मैं नहीं जानता। जब आपको आगे की राह ना दिखाई दे, जब आपको आपत भ्रमित हो चुके हो, एंड व्हेन यू हैव नो वेयर टू गो, देन यू से आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं क्या करूं, तब ऐसे मौके पे आपको याद आना चाहिए अल्बर्ट आइंस्टीन की वो बात, ही सेड इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन एक्शन। दोस्तों, यहां पर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में रोज ऐसा होता होगा जब आप कहते होंगे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता आगे कैसे बढ़ा जाए। When the road in front seems to be broken, आगे जाने का रास्ता नहीं दिखाता होगा, तब आप खुद को रोक लेते होंगे। तो यहां पर यह जानना बहुत आवश्यक है कि 20वीं सदी के महानायक श्री अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था। He said, imagination is more powerful than knowledge. So how do you understand that he gave the theory of relativity? वो अपनी माताजी के पेट से तो वो ज्ञान लेकर नहीं आए थे, बट हाँ, उन्होंने अपनी सोच को इतना सशक्त किया दैट व्हेन हिज माइंड वाज सेइंग आई डोंट नो, ही केप्ट ऑन एक्सप्लोरिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन के समकालीन एक और महान शख्सियत हुए थे जिनका नाम था महात्मा गांधी। और जब हम सक्सेस की चौथे पायदान पे आते हैं, दैट मींस यू आर एट 30% ऑफ सक्सेस, यू से आई विश आई कुड, काश मैं कर पाता। श्री महात्मा गांधी जी, हमारे बापू ने कहा था, Be the change that you want to see in this world. इस दुनिया में जो बदलाव है वो आप खुद बनने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। मेरे दोस्तों, सफलता की धीरे धीरे सीढ़ियां आपने मेरे साथ चढ़नी चालू कर दी हैं। शुरुआत में आपकी मानसिक दशा थी, आपने बोला आई वॉन्ट, फिर आपने कहा आई कांट, तीसरी स्टेज पे आपने बोला आई डोंट नो। दोस्तों, यहां पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि जब आप सफलता की चौथे पायदान पे पहुंचते हैं, तब आपकी मानसिक दशा होती है आई वॉन्ट टू, मैं करना चाहता हूं। तो यहां पे एक ग्रीस के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा, वी आर व्हाट वी प्रेटेंड टू बी, हम वो ही होते हैं जो हम दर्शाते हैं। और यहां पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक स्टेज आती है जब आप आई वॉन्ट से आई वॉन्ट टू पे आ जाते हैं, हाँ मैं करना चाहता हूं। मेरे मित्रों, मेरे साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आप छठे पायदान पे आ गए हैं, और यहां पर यह जानना बहुत आवश्यक है कि आई वॉन्ट से होते हुए आपने आई कांट
आई वॉन्ट टू एंड आई माइट स्टेज तक पहुंचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है, जहां आपका माइंडसेट मेरे साथ धीरे धीरे बदल रहा है। क्योंकि बहुत आवश्यक है कि रिस्क लिया जाए, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं किया, तो वो अपने आप में बहुत दर्दनाक होता है। मेरे दोस्तों, आई थिंक आई माइट के आगे की जो कड़ी है, जो आगे का पायदान है, जो आगे की लेवल है, उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, श्री स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल संस्था को ना केवल नए आयाम दिखाए, बल्कि आपके हाथ में आईफोन जैसा महान टेक्नोलॉजी का आविष्कार दिया, उन्होंने सिर्फ चार शब्द कहे थे, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आपको प्यास होनी चाहिए पाने की। तो दोस्तों, आज आप मेरे साथ यहां पे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। यू आर सीइंग द चांसेस ऑफ सक्सेस विद मी, यू आर एक्सपीरियंसिंग व्हाट इज द सक्सेस मंत्र। We started with I won't, then we went to I can't, then we said I cannot, and from here, where Steve Jobs has said I might, stay hungry, stay foolish, उसके बाद की स्टेज आती है I think I can, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ। आपकी मानसिकता I won't से I think I can तक आ चुकी है, और उसको डिफाइन करने के लिए बेब रूथ ने कहा था, ऐसे व्यक्ति को हराना नामुमकिन है जो छोड़ता नहीं है। इट्स वेरी हार्ड टू डिफीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। नाउ वी आर एट 80% ऑफ सक्सेस। द लेडर विच इज गोइंग टू बी डिफाइंड नाउ इज आई कैन, एंड इट इज सेड दैट आई कैन इज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन IQ। तो दोस्तों, सक्सेस की जो पॉजिटिविटी आपके अंदर डेवलप हो रही है, which started from I think I might, I can, is now at 90% of success. And here I am going to pronounce I am. You are at 90% of success when you define to the world I am, मैं हूँ, मुझे recognize करो, मुझे ऐसे तुम ignore नहीं कर सकते. And that is the ninth stage of success. मेरे दोस्तों, आज सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आपने जीरो स्टेज से, पहले पायदान से, जहां आपने बोला मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं शायद कर पाऊंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, और मैं आज पहुंच चुका हूं कि हाँ, मैं करने लायक हूं, उसके बाद आखिरी सीढ़ी रह जाती है, और उसमें आप कहते हैं आई डिड, मैंने कर दिखाया, मैंने अचीव किया। और ये बहुत आसान है, क्योंकि इसको डिफाइन किया है थॉमस एडिसन ने। He said, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम मैं यहां पर नहीं लूंगा, मगर उनकी सोच कहती है कि जब आप 1000 ठोकरे खाते हैं, जब 1000 लोग आपको मना करते हैं, तब आप सफल हो जाते हैं, क्योंकि एवरी फेलियर इज अ स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस। So when you're climbing that ladder of success from I won't to I did, you will have to make an effort. और मेरा आज यहाँ यही प्रयास है मेरे दोस्तों, कि हम दोनों आपस में साथ मिलकर ये सोचें कि सफलता की उस आखिरी सीढ़ी को पाना आसान है, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है। इसके साथ मैं अगले चरण में आपसे फिर मिलूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया हो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और देखते रहे प्रॉप एनालिस्ट मेरी अगली प्रस्तुति के लिए। तब तक अलविदा, थैंक यू।